सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस तरीके से हम अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान एंड ईजी तरीका है एंड बिना भूले, बिना किसी चीज को स्किप किए या फिर कोई मार्केट से एक्सेस चीज ना लाए हुए, हम बहुत आसानी से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग विद इन द बजट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेस ग्रुप पर। मेरे फेस ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट मिसिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहां पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है। सबसे पहले ग्रोसरी की शॉपिंग का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आप इस तरीके से किसी भी पेपर पर, कहीं पर, अपने फोन पर आप सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहला जो स्टेप है कि हम सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं जो हमें खरीदनी है या जो हमारी पैंट्री में रखी होती है, जो यूज करने वाली चीजें होती, उसको हम सबसे पहले किसी भी पेपर पर या अपने फोन में कहीं पर भी नोट डाउन कर लें, जिससे हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा चीजों को खरीदना एंड बार बार फिर हम अपने माइंड से वो स्किप नहीं कर पाएंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने चार्ट बनाया है एंड इस चार्ट में मैंने जितनी भी चीजें थी जो मैं यूज करती हूँ अपने घर में या जिनकी मुझे जरूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती रहती है, उनको सबको मैंने नोट डाउन किया हुआ है और इनकी फर्दर मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है। सबसे पहले आता है ब्रेवरेजेस। ब्रेवरेजेस में हमें चाहिए चीनी, कॉफी, टी, हेल्थ ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो ऑप्शनल है, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, और जूसेस। अगर आप पैक जूसेस लेते हैं तो फिर आप उसको खरीद सकते हैं, और अगर आप पैक जूसेस नहीं लेते तो फिर आप इसको अपनी लिस्ट में नहीं लिखिए। सो बेसिकली मेन जो हमारे पास में चीजें हैं वो शुगर, कॉफी और टी है। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि मेरे पास में इतनी क्वांटिटी अभी रहती है, 1 किलो 2 किलो जो भी है, जितनी क्वांटिटी आपके पास में अवेलेबल है या बिल्कुल खत्म है क्वांटिटी, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी मुझे लेकर आनी है। सपोज मेरे को शुगर लेकर आनी है, यहाँ पर मैं शुगर के सामने क्वांटिटी लिख दूंगी कि मेरे को 3 kg शुगर लेकर आनी है। कॉफी है, मेरे को 250 ग्राम मेरे को कॉफी लेकर आनी है। टी मुझे 1 packet 1/2 kg का लेकर आना है। इस तरीके से आप सामने सामने जो सेकेंड स्टेप है, आपने पहले ब्रेवरेजेस में लिखा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, देन फिर उसके सामने आप उनकी क्वांटिटी लिख सकते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी आपको जरूरत है उस पूरे मंथ में, जिससे कि बार बार आपको वापस मार्केट नहीं भागना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ब्रेवरेजेस। यहाँ पर मैंने लिखा है राइस, चावल चाहिए होते हैं, बासमती राइस और इडली राइस। अगर आप इडली को बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते या फिर आप इडली का बैटर ऑलरेडी बाजार से लेकर आ सकते हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। मैं कभी कभी इडली बनाती हूँ घर पे, तो इसलिए मेरे को इडली राइस चाहिए होता है एंड बासमती राइस हमेशा घर पे रखा रहना चाहिए। नाउ वी कम टू दाल, जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, दैट इज दाल। दाल में अलग अलग तरीके की दाल बनाई जाती है, तुअर दाल यानी अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल। मूंग दाल की 2 categories है, साबुत और छिलका। जितनी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप इधर मेंशन कर सकते हैं अपनी चेकलिस्ट में। चना दाल, राजमा और काबुली चना, ये हो गई हमारी दालों की कैटेगरी। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लावर। फ्लावर यानी हम आटा किस किस तरीके का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप वीट फ्लावर यूज करें, गेहूं का आटा सिंपली यूज करें, तो फिर आप गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन आटा अगर आप खाते हैं गेहूं के आटे की जगह, अगर आप मल्टीग्रेन आटा डेली बेसिस पे खाते हैं तो फिर आप मल्टीग्रेन आटे को मेंशन कर दीजिए। बेसन यानी ग्राम फ्लावर, मैदा और राइस फ्लावर। राइस फ्लावर अगेन अगर बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे कंजम्पशन है तो फिर आप राइस फ्लावर मेंशन कीजिए, अगर नहीं कंजम्पशन है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारी फिफ्थ कैटेगरी है ऑयल। ऑयल में हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी, बटर। अब इसके अलावा अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं खाने में, मैं बेसिकली ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ ज्यादातर खाने में, अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो आप उसको ऑयल की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो इस ऑयल की कैटेगरी में जो जो आप ऑयल्स यूज करते हैं आप उसको अपनी चेकलिस्ट में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है ब्रेकफास्ट आइटम्स, की ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं या क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं वैरायटी के लिए। सो सूजी, वर्मसिली यानी सेवई, पोहा, ओट्स, मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, चौकोस, इन सब में से कुछ भी।
Then we come to spices. सूखे spices होते हैं उसमें हमें क्या-क्या चाहिए हो सकता है? Dry हल्दी यानी जो सूखी हल्दी होती है वो, long दालचीनी sticks, जावित्री, सूखी काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, जीरा, सूखी लाल मिर्च, सौंफ और चिली फ्लेक्स। So ये सारी चीजें होगी हमारी spices में। आप उसकी quantity अपने हिसाब से जितनी available है उसको हटा के जितनी quantity आपको पूरे month में लगती है उस तरीके से आप यहाँ पर mention कर सकते हैं। मसालों में मैंने include किया है turmeric powder यानी हल्दी powder, chili powder, धनिया powder, जीरा powder, सांबर powder, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, आमचूर, शाही पनीर powder, बिरयानी powder, चाट मसाला। So ये हमारे सारे मसालों की list है। जो-जो आपके यहाँ पर घर में आप बहुत frequently use करते हैं या फिर आपको पता है कि आपके ये मसाले भी पूरे मंथ में यूज हो जाएंगे तो आप उनकी भी लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है उसका एक सेपरेट पतला सा कॉलम बना सकते हैं या फिर आप उनके सामने भी मेंशन कर सकते हैं कि इतनी इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए। नेक्स्ट है सीजनिंग आइटम्स। सीजनिंग आइटम्स में मैंने इंक्लूड किया है मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों, मेथी के दाने, साबुत धनिए के दाने, तिल, अजवाइन, इमली, नमक, काला नमक, सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर और ऑरेगानो। जनरल आइटम्स जो कि घर पे रहने चाहिए इनके अगर कोई आता है तो आपके पास में जो बेसिक आइटम्स हैं स्नैक्स के टाइम में आप यूज कर सकते हैं वो जनरल आइटम्स की लिस्ट मैंने बनाई है। जो अगर इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट में कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते अपनी यूटिलिटी के हिसाब से कि आपके यहाँ पर किस तरीके की चीजें कंज्यूम की जाती हैं एंड किस चीज की बहुत फ्रीक्वेंटली नीड रहती है। तो यहाँ पे मैंने जनरल आइटम्स में मेंशन किया है बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन, नूडल्स, मैगी, नूडल्स और मैगी में से कुछ भी, मखाना, मैश बॉक्स चाहिए होती है, पास्ता, पॉपकॉर्न, मिल्कमेड, जो चीज स्लाइसेस आती है वो, क्रीम चीज एंड क्रीम। तो ये जनरल आइटम्स में आ गया। अब आते हैं हम ड्राई फ्रूट्स में कि ड्राई फ्रूट्स में से कौन कौन से ड्राई फ्रूट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। आलमंड यानी बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, अंजीर और चिरौंजी। चिरौंजी और अंजीर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होती है तो उसकी जो क्वांटिटी है मैं वो बहुत कम लेकर आती हूँ तो बहुत थोड़ी सी जितनी है मेरे लिए मंथ में यूज होती है सिर्फ उतनी चिरौंजी की क्वांटिटी मैं लिख दूंगी। सपोज 50 ग्राम चिरौंजी और अंजीर काफी है तो इसलिए बस 50 ग्राम चिरौंजी और अंजीर लिखिए जिससे कि वो मंथली हमारी यूटिलाइज हो जाए और हमारी कोई भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं जाए क्योंकि अगर हम ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए चीजों को रखेंगे तो हमारी जो चीज है उसको खराब होने का भी डर लगा रहता है। इसलिए आप उतनी ही चीज लेकर आए जो कि आपकी पूरी मंथ में कंज्यूम हो जाती है या फिर बहुत थोड़ी बहुत बचती है जिससे कि आप अगले मंथ में फिर इसी तरीके से अपनी एक्सेल शीट बनाए या फिर आप व्हाइट पेज पे लिख रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी फोन में भी नोट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम आते हैं क्लीनिंग आइटम्स के लिए। क्लीनिंग आइटम्स यानी सफाई के आइटम्स जो हमारे घर में क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं तो उसमें मैंने लिखा है फ्लोर क्लीनर, झाड़ू, वाइप्स, हैंड टॉवल, किचन टॉवल, टिश्यूज, डिश वॉशिंग सोप्स या लिक्विड जो भी लिक्विड सोप सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, नहाने का साबुन, टॉयलेट क्लीनर्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, पोछा, डस्टर्स। फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में आप मेजर ये सारी मेजर कैटेगरीज है आप इसमें अपना जो ग्रोसरी का आइटम है इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं एंड फिर उसके बाद में कैटेगराइज करने के बाद में अब सब कैटेगरीज बना सकते हैं कि ये चीजें मुझे चाहिए एंड कितनी चाहिए उसके लिए आप या तो आप साइड में लिख सकते हैं या फिर आप सेपरेटली एक पतला कॉलम बना सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी में मुझे चीजें चाहिए। हालांकि आपका 10 से 15 मिनट लगेगा इस शीट को बनाने में बट आप किसी भी चीज को पहले तो भूलेंगे नहीं कि ये मंथली मेरी चीजें हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी एंड आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। एंड कभी कभी क्या होता है या तो हम किसी भी चीज को स्किप कर देते या फिर हमें अगर चीज याद नहीं रहती है तो हम और हमारे पास में पैंट्री में ऑलरेडी वो चीज अवेलेबल होती है बट फिर भी भूलने की वजह से या नोट डाउन नहीं करने की वजह से हम उस चीज को एक्स्ट्रा और लेकर आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीका है ये शीट बनाने का। आप इसको इसी तरीके से शीट बना सकते हैं कैटेगरीज में डिवाइड करके एंड अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। आपका ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा आपकी जो एक बजट में आप अपनी चीजों को भी लेकर आ सकते हैं कोई चीज आपकी खराब नहीं होगी या फिर आप कोई एक्सेस चीज नहीं लेकर आएंगे ना ही आप कोई कम चीज लेकर आएंगे और आपके दिमाग में से बिल्कुल स्लिप नहीं होगा। फ्रेंड्स होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद
सर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।